ये दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली, चुनावी बॉन्ड पर बोले राहुल गांधी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड देश का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी जांच नहीं करते, वे भाजपा के लिए वसूली करते हैं। इसके बाद बीजेपी इन फंडों की मदद से पार्टियां तोड़ते हैं, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। उन्होंने कहा कि एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज्यों में जो सरकारें गिरा रही हैं, उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। बीजेपी ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। जांच एजेंसियां अब जांच नहीं बल्कि वसूली कर रही हैं। साथ ही कहा कि इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्यों में कांग्रेस सरकारों द्वारा दिए गए ठेकों और चुनावी बॉन्ड के बीच कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से कंपनियों से वसूली की जा रही है, बड़े ठेकों का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले चुनावी चंदा लिया जा रहा है, ये पूरा ढांचा पीएम मोदी ने तैयार किया है। राहुल गांधी ने मिलिंद देवड़ा को लेकर कहा कि देवड़ा का बीजेपी में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण चले गए, लेकिन हमारी पार्टी बरकरार है। इसी पैसे का इस्तेमाल कर एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा गया। साथ ही कहा कि हमारी पार्टी साफ सुथरी है, आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र में बंपर जीत हासिल करेगा। राहुल ने कहा कि देश में जो संस्थाएं हुआ करती थी, वो अब बीजेपी और आरएसएस की हथियार हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर ये संस्थाएं अपना काम करती तो ये सब नहीं होता। साथ ही कहा कि इन सभी संस्थाओं को ये सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, फिर कड़ी कार्रवाई होगी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।